हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता। इसके लिए मैं ली हूँ ये बैंगन और यहाँ ली हूँ थोड़ा प्याज, मिर्च और लहसुन और इसके साथ ये मस्टर्ड ऑयल। तो अब हम इसको बैंगन को काट लेंगे। भरता बनाने के लिए हमको बैंगन को पहले बेक करना पड़ेगा, फिर जाके उसका भरता बनाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे बीच से आप काट दीजिए। तो अब हम इसमें एक लहसुन घुसा देंगे, लहसुन बिल्कुल इसी तरह से हम प्याज को घुसा देंगे। प्याज ऑप्शनल है तो आप कर सकते हैं या बाद में भी दे सकते हैं। अब हम एक मिर्च ले लेंगे, और देखिए इस तरह से इसमें हम तेल लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा तेल इधर भी घुस जाएगा, जैसे अंदर में घुस जाए। अब इसको हम बेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम बैंगन को बिल्कुल इसके ऊपर रख देते हैं। तो जब हमारा बैंगन हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैंगन बिल्कुल अच्छे से गल गया है। ये बेक की थी मैं 30 मिनट के लिए। अब आप इसको ऐसे अंदर का जो लहसुन और प्याज था उसे से निकाल दीजिए और इसके ऊपर का जो छिलका है उसे भी निकाल दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बैंगन अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम इसको ऐसे बिल्कुल काट लेंगे। कढ़ाई लेंगे, उसके ऊपर सरसों का लेंगे, थोड़ा सा जीरा, कड़ी पत्ता। इसके ऊपर थोड़ा सा ये बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, उसका फ्राई करके इसके ऊपर एक टमाटर डालेंगे। के ऊपर आप ये कटे हुए टमाटर डालिए। इसके ऊपर लेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्च। मिर्च हमारा पहले से गला हुआ था हरी में। आप उसके ऊपर तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा बैंगन का भरता बन गया है। तो इसके ऊपर थोड़ा हम ये कटा हुआ धनिया पत्ता लेंगे और इसे मिला देंगे। इसे चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। तो आप ये घर में बनाइए, खाइए, तो मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा यम्मी सा बैंगन का भरता बन के रेडी हो गया।